इंडिया एक्सपो का आज शुभारंभ लखनऊ में होना है। पीएम मोदी डिफेंस इंडिया एक्सपो का आज शुभारंभ करते दिखेंगे। जी हां, आज दोपहर 1:20 का कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी के लखनऊ पहुंचने का, और 1:20 पर वो लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद फिर सीधे चौपड़ से कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहां पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा और फिर होगी कार्यक्रम की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मंच पर उपस्थित दिखेंगे। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी शामिल होने के लिए वहां कहा गया है। इसके अलावा गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी एक्सपो में उपस्थित दिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री लगभग इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नीलेश, डिफेंस एक्सपो को लेकर किस तरह की वहां हलचल है आपके सामने, कैसी है ताजा तस्वीरें? 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हो रहा है और एक्सपो के आयोजन की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर तैयारियां पूरी तरीके से पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा जो है आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे, करीब 1:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। अभी की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 11वें डिफेंस एक्सपो में करीब 70 देशों से रक्षा प्रतिनिधि पहुंचेंगे। उसके अलावा अगर आज के डिफेंस एक्सपो की हम बात करें, आज के आयोजन स्थल की बात करें तो व्यवस्था ना हो उसके लिए तमाम पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। उसके अलावा आने जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग जगह पर वाहन खड़े करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई। आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जो आयोजन स्थल आयोजन में शामिल होने के लिए आएंगे, डिफेंस एक्सपो में आएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आरएफ की टीम है, यूपी पुलिस की टीम, उसके अलावा तमाम अन्य टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवधान ना पैदा हो। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ में हो रहा है, ऐसे में लखनऊ के लिए भी बड़ी गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि जब रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ के अंदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब ये आयोजन पूरी तरीके से सफल होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा क्षेत्र से जुड़े जो कयास लगाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रक्षा क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, रक्षा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है रास्ते खुलेंगे। आज जब इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है, निलेश तैयारियां तो सारी लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन उम्मीदें कितनी? देखिए, अगर हम उम्मीदों की बात करें तो जो 10वां डिफेंस एक्सपो चेन्नई में हुआ था वो 80 एकड़ की जमीन पर हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में जो आयोजन हो रहा है वो करीब 200 एकड़ से ज्यादा की जमीन में हो रहा है। और उससे ज्यादा लोग यहां पर आने की संभावना है क्योंकि 10वें डिफेंस एक्सपो में करीब 700 एग्जीबिटर पहुंचे थे। एक्सपो में अगर हम 11वें एक्सपो की बात करें तो 1000 से ज्यादा एग्जीबिटर ने यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसके अलावा 75 देशों से रक्षा से जुड़े लोगों के आने की संभावना है। वही 25 देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगर पूरे मामले को हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत में बने हुए हथियार हैं पूरे प्रदर्शनी के दौरान उनको दिखाया जाएगा। तीनों सेनाओं की ताकत दिखाई जाएगी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना की ताकत। ठीक है, दोपहर को लगभग 1:20 के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की हुई आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। ऐसे में एग्जैक्टली किस टाइम पर इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां हो जाएगी? देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है, लगभग लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, 1 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा आयोजन स्थल वृंदावन पहुंचेंगे, उसके बाद जो सारे कार्यक्रम है उनको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में वहां पर रूट डायवर्जन को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? यातायात व्यवस्था चरमराए ना, लोगों को वहां पर जो आम जन है इस डिफेंस एक्सपो की वजह से उन्हें परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर कैसी व्यवस्थाएं? देखिए, आसपास के लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी व्यवस्था ठीक की गई है क्योंकि हर जगह पर पुलिस कर्मी तैनात किया गया है, यातायात कर्मी तैनात किया गया है जो आने जाने वाले लोगों को बता रहा है कि किस रास्ते से आपको जाना है ताकि आपको व्यवधान ना पैदा हो। वही अगर हम डिफेंस एक्सपो के आसपास के एरिया की बात करें तो भारी संख्या में यातायात कर्मी तैनात किए गए हैं, पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए पूरे लखनऊ के अंदर अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को तैनात किया गया, अलग अलग टीमें बनाई गई है। कई टीमों को इसलिए बनाया गया है कि वो लगातार नजरें बनाए रखें कि आने जाने वाले लोगों को या स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना उठाना पड़े। उसके अलावा जो यातायात व्यवस्था लखनऊ में अक्सर देखी जाती है कि बड़े आयोजन के समय दिक्कतें पैदा करती है, तो ऐसे में उनको भी ठीक ढंग से चलाने के लिए तमाम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ऐसे में अगर बात करें नीलेश खासतौर पर मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया का कितना जलवा आज डिफेंस एक्सपो 2020 में देखने को मिलेगा, खासतौर पर डीआरडीओ की और एचएल की कितनी तैयारियां?
देखिए अगर हम बात करें मेक इन इंडिया के तहत कार्यक्रमों की या उनके प्रोजेक्ट की, तो साफ तौर पे ये देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। आज जब इतना बड़ा आयोजन लखनऊ के अंदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का जलवा देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लगातार जनता जिनकी मांग करती है, विदेशों में जिनकी मांग होती है, जो सेना के हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर बनते हैं या फिर हैदराबाद में बनते हैं, इन तमाम हथियारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि जो 70 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम वहां से जो एग्जीबिटर्स आएंगे, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के अंदर जो हथियार बने हैं उनको देखेंगे, कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और एक बहुत बड़ा मकसद इस डिफेंस एक्सपो के पीछे कहा जा सकता है नीलेश, की हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस सेक्टर बनाने का। ऐसे में तैयारियां तो पूरी करनी होगी, पुरजोर कोशिशों के साथ यहाँ पर इस डिफेंस एक्सपो 2020 को सफल बनाना होगा क्योंकि पूरे दुनिया की नजरें इस पर है। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पे बनी हुई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी सैन्य उपकरण बनाए जाएंगे, साथ ही सैनिक क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा। यूँ तो हम अगर बात करें थल सेना की, वायुसेना की, जल सेना की, तो दुनिया में कोई भी ऐसी सेना नहीं जो हमारी सेना के आगे टिक सके। उनके हथियार जो है, जो स्वदेशी हथियार है, काफी घातक माने जाते हैं हिंदुस्तानी सेना के। ऐसे में जो विदेशी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, विदेशी मेहमान जो यहाँ पर पहुंचेंगे, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो सेना है उनका कर्तव्य तो देखेंगे ही, साथ ही उन हथियारों को भी देखेंगे जो हिंदुस्तान में विकसित किए गए, हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। आज वो सेना के साथ रहकर बॉर्डर पर उन हथियारों का यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देश के रक्षा से जुड़े हुए लोग आएंगे उन हथियारों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानी हथियार है उनको भी आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में से कितनी बड़ी क्रांति के रूप में देखा जाए नीलेश? देखिए अगर हम क्रांति की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को सीधा इसका फायदा मिलेगा। इतने बड़े आयोजन के बाद कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर जो कंपनियां आएंगी, एग्जीबिटर्स आएंगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जब निवेश करेंगे तो सीधा फायदा उसको आम जनता को होगा, यहाँ की सरकार को होगा, देश की सेना को होगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।